हेलो एवरीवन। सो आज हम जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो, द ओनली यूनिवर्सल स्टूडियो इन साउथ ईस्ट एशिया। आई एम सुपर एक्साइटेड टू टेक ऑन ऑल द राइड्स। इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन करूंगी, बट एट द सेम टाइम जो भी मुझे लगेगा कि चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो भी आई कीप ऑन अपडेटिंग टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स गो टू यूनिवर्सल स्टूडियो। इन सिंगापुर वी यूजली टुक कैब इंस्टेड ऑफ एनी लोकल ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, क्योंकि हम तीन थे और ये हमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। सो वी प्रिफर्ड कैब। सो फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड इज़ लीव अर्ली फॉर यूनिवर्सल स्टूडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है वहाँ पे और आपको एक्चुअली राइड्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप देख रहे हो यहाँ पे क्राउड कितना है, जबकि हम 11 बजे के पहले पहुँच गए थे। ये वाले जो काउंटर दिख रहे हैं, यहाँ से आप टिकट्स बुक कर सकते हो अगर आप तुरंत वहीं से करना चाह रहे हो। इफ़ यू हैव स्मॉल किड्स विथ यू, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वो कौन कौन सी राइड आपका बच्चा ले सकता है। हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे राइड्स का इंडिकेशन दिया हुआ है। और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और वो है यूनिवर्सल स्टूडियो की ऐप डाउनलोड करना। अगर आपने पहले से की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की हुई है तो वहाँ वाईफाई की सुविधा आपको मिल जाएगी। तो वहाँ जाके आप, बाहर एक स्कैनर दिया हुआ है, वहाँ स्कैन करके या प्ले स्टोर में सीधा टाइप करके यूनिवर्सल स्टूडियो की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब ऐप के थ्रू आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलती है, जो कि आपको पता चलेगी कि हर एक जो राइड है और शोज हैं उनमें क्या वेटिंग टाइम चल रहा है। अगर आपको दिखता है कि इसमें वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो एक नॉर्मल टिकट के साथ मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यूनिवर्सल स्टूडियो एक्सप्रेस पास की टिकट भी ले लीजिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पे दिखता है कि जो राइड्स में और बाकी शोज़ में वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है और आप एक नॉर्मल टिकट से भी मैनेज कर सकते हो, इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आप यूनिवर्सल पास मत लीजिए, एक्सप्रेस पास जो है वो मत लीजिए। क्योंकि ये जो यूनिवर्सल एक्सप्रेस पास जो है ये $60 और $90 प्राइजेस में अवेलेबल है, तो ये एक बड़ा अमाउंट है। तो जब तक अगर आपको इसका बेनिफिट नहीं दिखता है तो ऑब्वियसली आपको ये नहीं लेना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ये जो यूनिवर्सल एक्सप्रेस पास है, जो ये आप अंदर जाकर भी अलग अलग जगह से खरीद सकते हैं, वहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि कहाँ से मैं ले सकते हैं आप, वो आपको गाइड कर देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एंट्री करते समय ही डिसाइड करना है, आप अंदर जाने के बाद, एक बार ओवरव्यू लेने के बाद भी आप ये डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी जो वेटिंग टाइम है आपको कम्प्लीटली विजिबल होगा यूनिवर्सल स्टूडियो का जो ऐप है उसमें। और एंटर करते ही साथ बिल्कुल राइड मत लीजिए, डेफिनेटली पहले राइड के जो वेटिंग टाइम है वो चेक करिए, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटिंग टाइम कम हो वही राइड आप पहले लीजिए। और सिर्फ ये डिटेल नहीं, और भी बाकी डिटेल्स कि रेस्टोरेंट्स कौन कौन से हैं और रेस्ट रूम्स कहाँ पे हैं, बाकी बहुत सारी डिटेल्स आपको यूनिवर्सल ऐप में ही विजिबल होती है, एंड इट क्रिएट्स कन्वीनियंस। लोग एंट्रेंस के बाहर रील बना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, और वो जो आप देख रहे हो वहाँ से इसका एंट्रेंस है, वहीं से आपको एंटर करना है अंदर। इसके साथ ही साथ हर एक एरिया में आपको साइन बोर्ड दिखेगा, जिससे आपको डायरेक्शन समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यूनिवर्सल स्टूडियो के ऐप में आप देखोगे मीट एंड ग्रीट एक सेक्शन है, जिसके अंडर कुछ शोज हैं उनकी डिटेल्स होती है। तो व्हाट दे डू, दे ब्लॉक द रोड एंड दे रन दीज काइंड ऑफ शोज, और ये शोज बहुत ही वंडरफुल तरीके से ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो अब अगर आपको पता हो कि ये शोज कहाँ हो रहे हैं, तो उस टाइम में आप वहाँ पहुँच कर इन शोज को भी इंजॉय कर सकते हैं। आगे मैंने म्यूट नहीं किया वीडियो को, और आपको फील होगा कि किस तरीके की वाइब वहाँ पे आती है जब इस तरीके का शो चल रहा होता है। एंड दिस इज द रीजन वाई माई सन इंजॉयड अ लॉट, क्योंकि ये है यूनिवर्सल स्टूडियो की रोलर कोस्टर राइड, बहुत ही डेंजरस बट सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग और सबसे ज्यादा वंडरफुल। मैंने अभी जस्ट रोलर कोस्टर राइड फिनिश किया है, और मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी, अगर आप बहुत डरते हो तो आप प्लीज रोलर कोस्टर में मत जाना, इट्स वेरी स्केरी। मैंने एक भी बार आईज ओपन नहीं करी, और ऑब्वियसली वीडियो तो मैं बना नहीं सकती थी, बट हाँ मैं कहूंगी कि थोड़ा सा अगर आप कोशिश करो तो इट इज अ मस्ट टेकन राइड, मतलब यू मस्ट गो एंड एक्सपीरियंस दिस राइड। यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, और इस वीडियो के एंड में मैंने राइड्स को सेग्रीगेट किया है कि कौन सी जो है बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, मोस्ट एडवेंचरस राइड्स हैं, कौन सी मीडियम एडवेंचरस राइड है, और कौन सी ऐसी राइड्स हैं जो पर्टिकुलरली बच्चों के लिए बनी हुई हैं।
एक्चुअली यूनिवर्सल स्टूडियो ना 6 जोन्स में डिवाइडेड है और अलग अलग जोन्स में अलग अलग तरीके की राइड्स हैं और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हैं। और बिल्कुल वीडियो बनाने की कोशिश मत करिएगा, ये तो जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू आई ट्राइड मेकिंग द वीडियो बट इट इज़ टू रिस्की टू मेक द वीडियो। और ये है साईफाई जोन जहाँ पे हर थोड़ी देर बाद इस तरीके के ट्रांसफॉर्मर्स बाहर आते हैं और आप उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि ये जो पिक्चर्स है इसको क्लिक कराने के लिए आपको एक लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और ये लाइन में अगर आप लग जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना ख़राब करोगे। तो आई वुड रिकमेंड कि पहले आप राइड्स कवर कर लो, शोज़ देख लो और उसके बाद अगर आपको लगता है ना कि फ़ोटोज़ वोटोज़ में आपको टाइम इन्वेस्ट करना है तो आप देख, देन यू कैन यू नो थिंक ऑफ। एंड दिस एरिया इज़ एशियन इजिप्ट जहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो इंडियन फूड इसी एरिया में है जो रेस्टोरेंट है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे मम्मी राइड है जो कि बहुत अच्छी राइड है, वो आप ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि अगर आपने पहले से अपनी टिकट्स बुक नहीं की है, आप जस्ट यू नो एक दिन पहले ही बुक कर रहे हो या वहाँ आने के बाद बुक करना चाह रहे हो, तो आप उसके पहले एक बार वेदर प्रिडिक्शन ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे पानी गिरता है तो आउटडोर सारी जो राइड्स हैं वो ये लोग बंद कर देते हैं, स्पेशली अगर लाइटनिंग हो रही हो, और इस तरह से आपकी बहुत सारी राइड छूट सकती है। यूनिवर्सल स्टूडियो में आपको इंडियन फूड ज़रूर मिस करोगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भूखे भी हो गए बिकॉज यहाँ बहुत चलना पड़ता है। और सिर्फ यही रेस्टोरेंट जहाँ पे इंडियन फूड है, आई जस्ट शो यू। दे रियली हैव गुड ऑप्शन ऑफ राइस एंड एट अफोर्डेबल प्राइस। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across. This is Jurassic Park, जिसमें 3 rides हैं। एक तो है आपकी Rapid Adventure Ride, एक बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी ride है, और एक और Canopy Ride है, तो ये आप ज़रूर ले सकते हैं यहाँ पर। और हम यहाँ पे बिल्कुल राइट टाइम में थे क्योंकि एक रोड शो चल रहा था वेलोसिराप्टर का, और आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू विटनेस दिस। Yes. Hold it. Eyes up. Attenta. Whoa, what about the round of applause for Drew, ladies and gentlemen? Kids grow, Blue. Now, to strengthen the relationship between Raptor and Trainer, we like to encourage positive reinforcement. Now, with Blue, we found that she responds best to food, which is why we prepared some of her favorite treats upon completion of this training exercise. Now, usually we work with Blue one-on-one, but today we brought her out so that we can monitor her behavior when introduced to a new environment. Now, this new environment is all of you guys, a public crowd. So for this training exercise, we will need volunteers who are brave enough to stand before Blue. बहुत सारी राइड्स में आपको सामान ले जाना अलाउड नहीं है, तो इन दैट केस आप यहाँ की लॉकर फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। कुछ लॉकर्स तो यहाँ पर चार्जेबल हैं और कुछ लॉकर्स जो हैं वो 1 आवर के लिए आपको फ्री मिलते हैं। तो आप यहाँ आइए, उस लॉकर में अपना सामान रखिए और फिर यू कैन गो फॉर द राइड। और अगर आपको 1 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है तो आप यहाँ 1 घंटे के जस्ट पहले आइए और एक लॉकर से सामान निकाल के दूसरे लॉकर में आप शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इस लॉकर फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। There are a few things which you have to keep in mind when you are visiting Universal Studio. सबसे पहले तो आप बहुत ही comfortable footwear पहनिए, स्पोर्ट्स शूज डाल लीजिए। सिर्फ यहाँ पे जो जुरासिक पार्क में जो एक राइड है बस उसी में थोड़ा फुटवेयर गीले होने का थोड़ा चांस होता है, अदरवाइज आपके लिए एक अच्छे शूज़ यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल स्टूडियो में बहुत ज़्यादा आपको वॉक करना पड़ता है। इसके बाद अगर आप समर्स में आ रहे हैं तो कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए, कॉटन क्लोथ्स पहनिए, ब्रीदेबल क्लोथ्स पहनिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। कैरी अ स्मॉल वाटर बॉटल, आप यहाँ पे रीफिल करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो अगर आप ये बॉटल होगी तो आप रीफिल कर लोगे और अपने बैग में रख लोगे तो आपको कहीं पे भी पानी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। साईफाई जोन में ही है आपकी जो सबसे अमेजिंग राइड्स हैं, जिनमें से एक है आपकी रोलर कोस्टर राइड, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मर का जो 3D बैटल जो इन्होंने शो किया है, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है उसमें। और मैंने कोशिश की थोड़ी सी क्लिप्स लेने की, और आगे जो क्लिप्स आपको दिखेंगी ना ये थोड़ी सी ब्लर दिखेंगी क्योंकि जब तक आपके पास 3D स्पेक्स नहीं होंगे आपको ये क्लियर नहीं दिखेगा, बट इतना अमेजिंगली इन्होंने इसे यू नो पूरी तरह से अरेंज किया है हर चीज़ को, एंड इट इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस। डू नॉट मिस फ्यू राइड्स जिसमें से एक ये वाली राइड है। ये जस्ट अभी हमने यू नो यूनिवर्स जो हमारा एक्सप्रेस पास है वहाँ से हमने एंटर किया और उसी राइड के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे ना अलग अलग तरीके की लाइन में लगने के लिए ऑप्शन है, आप ऐसे रैंडमली किसी के भी ऐसे पीछे नहीं लग सकते हो।
सो एक्सप्रेस पास का एक अलग लाइन है और बाकी जो दूसरे जो हैं पासेस उनका जो नॉर्मल लाइन है वो अलग है. आप बकायदा अच्छे से लाइन में लगोगे और उसके बाद ये इन्होंने टेलीविज़न में भी दिखाया है कि आपको किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से ये ओपन होगा और आपको जाकर बैठना है. सो इतने अच्छे से इन्होंने ना सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है, विच इज़ रियली अप्रिशिएटिंग. अब यहाँ आप देख रहे हो लाइन में जो जिस सीट पे जितने लोग बैठ सकते हैं ना उतने ही लोग लाइन में लगे हुए हैं. एक्सप्रेस का अलग लाइन है, नॉर्मल लाइन अलग है. ये इतने अच्छे से सारी सिक्योरिटी चेक के बाद आपको ये बिठा रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, सब कुछ आपको बता भी रहे हैं. हर राइड से जब आप बाहर निकलते हो तो आपको इस तरीके की शॉप दिखती हैं जहां से आप उस राइड से रिलेटेड जो सोवेनियर्स हैं वो आप ले सकते हो इफ यू वांट टू बाय. इनके जो अंदर जो शोज हुए हैं ना, जो इनके प्लान शोज हैं, उनकी मैं क्लिप्स नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है. बाकी जो रोड शोज हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है एंड दिस इज अनदर रोड शो. न्यूयॉर्क जोन में छोटे बेबीज के लिए ये परफेक्ट राइड थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. फार फार अवे, एक्चुअली मैं बहुत फार था, मतलब कि जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तो आई वॉज टू लेट टू कवर ऑल द राइड्स बट स्टिल आई ट्राइड टू. यहाँ इवनिंग ऑलमोस्ट हो गया था और मैं बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने में इतनी बिजी थी कि आई कुड नॉट एक्सप्लोर इट मच. बट हाँ, यहाँ पे भी राइड्स हैं अच्छी, यहाँ पे शोज़ भी हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं जैसे मैंने हमेशा से आपको बताया. हर एरिया में किसी भी आप थीम में जाओगे ना, जो अलग अलग एरियाज डिवाइडेड है उन सब में राइड्स हैं और उन सब में रेस्टोरेंट्स हैं. I would say that this is a fun place to be, but express pass में होने के बाद भी हो सकता है आपकी rides miss हो जाएं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत crowded place है. यहाँ पे सबको tickets दे देते हैं तो अंदर इतना ज़्यादा crowd हो जाता है कि आपकी हो सकता है तब भी rides miss हो जाएं. और मुझे इस बार ये भी लगा कि बहुत सारी rides इनकी बंद थी, under maintenance थी, और कुछ rides जो है वो technical issues था तो वो इसलिए भी मेरी बहुत सारी rides miss हो गई है. और बाकी सब मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सेप्ट द फैक्ट कि बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है और आपको फटाफट हर कुछ हर मतलब आपको शोज भी फटाफट करने पड़ेंगे, राइड्स भी फटाफट करनी पड़ेगी. तो एक्चुअली आपको लगेगा कि आप आए तो मॉर्निंग से हो, इवनिंग हो गई है, बट फिर भी आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं हो पाएंगी. दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस रहा हो यूनिवर्सल स्टूडियो को लेके तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मेरे साथ शेयर करिएगा. सो बट स्टिल आई वुड से कि यहाँ पे आना बिल्कुल बनता है, आपको ज़रूर आना चाहिए और टाइम पे आना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके अपनी जो टिकट प्राइस जो आपने पे की है उसका. सो बाय बाय. Some of the Indians present here कि कैसा लगा उनको यूनिवर्सल स्टूडियो का पूरा एक्सपीरियंस. सो चिल्ड्रन,
इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. हमने बहुत सारे राइड्स किए, हमें बहुत मजा आया. स्पेशली द ह्यूमन एंड द साइलॉन राइड, इट वॉज एक्सीलेंट. इट वॉज वेरी नाइस. ओके, थैंक यू. हाई, हाउ डिड यू फाइंड दिस यूनिवर्सल स्टूडियो? परफेक्ट, फाइव स्टार. एंजॉय किया आपने? यस, बहुत. ओके, ग्रेट, थैंक यू. या हाई, हाउ डिड यू फाइंड दिस स्टूडियो? ऑल द राइड्स वर गुड. इट वॉज गुड. यू एंजॉयड? All the rides were good. Only thing is, you need to plan your activity very well. Make sure you kind of go through all the rides. Okay, thank you. Did you find it nice, good? Yeah, it was very nice. It was very interesting also, and very creative and all. It was very nice. Okay, thank you. Yeah, we spent the whole day today here. I had a great time with the family and with my grandchild also. Okay. One place.